हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला प्योर ऑनलाइन, ब्रिक एंड क्लिक, ब्रिक एंड मोर्टार। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट जो है ई कॉमर्स की, उसका मैंने लिंक शेयर किया है, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट, प्योर ऑनलाइन। प्योर ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट्स ऑल एक्टिविटी ऑनलाइन एंड इट हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस। तो प्योर ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि कोई भी बिजनेस है वो बस ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है, उसका कोई फिजिकल स्टोर या फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, कोई भी फिजिकल स्टोर होता था, वहाँ पे हम जाते थे फिर परचेस करते थे कोई भी प्रोडक्ट को। तो प्योर ऑनलाइन में क्या होगा, बस वो ऑनलाइन ही अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, सेल्स और परचेस ऑनलाइन ही करेंगे पूरा। तो इसके फेमस एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, eBay.com, amazon.com, Flipkart और बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं और ये बस प्योर ऑनलाइन, मतलब बस ऑनलाइन ही ट्रेड करती हैं, ऑनलाइन ही अपना बिजनेस चलाती हैं, इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंट या फिजिकल स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट है ब्रिक एंड क्लिक। ब्रिक एंड क्लिक्स इज अ बिजनेस मॉडल बाय विच अ कंपनी इंटीग्रेट्स बोथ ऑफलाइन ब्रिक्स एंड ऑनलाइन क्लिक्स प्रेजेंसेस। ब्रिक एंड क्लिक मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा बिजनेस मॉडल जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, मतलब ऑफलाइन उसका स्टोर भी है और ऑनलाइन उसकी कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू वो, इंटरनेट के थ्रू वो सेल्स या परचेस करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिक एंड क्लिक मॉडल। साफ साफ पता चल रहा है, ऑफलाइन मतलब ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स मतलब ईंटों से बना हुआ उसका स्टोर, तो उसको हमने ऑफलाइन नाम दे दिया। और ऑनलाइन मतलब क्लिक्स, अगर हम क्लिक करते हैं किसी वेबसाइट वगैरह पे तो वहाँ पे जाके हम परचेस करते हैं, तो इसका मतलब क्लिक। तो ब्रिक एंड क्लिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके दो एग्जांपल हैं वॉलमार्ट और टारगेट। नेक्स्ट है ब्रिक एंड मोर्टार। ब्रिक एंड मोर्टार रिफर्स टू अ ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेस दैट ऑफर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर फेस टू फेस इन एन ऑफिस और स्टोर। तो ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही है, जैसे स्ट्रीट पे रोड साइड जो भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे हम जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो लेते हैं, कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे, और ऑफलाइन ही वो स्टोर है या कोई भी ऑफिस है तो वो ऑफलाइन है। तो ये क्या हुआ, ब्रिक एंड मोर्टार। द लोकल ग्रॉसरी स्टोर इसका एग्जांपल है और कॉर्नर बैंक इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये है ब्रिक एंड मोर्टार। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, और ये तीनों टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कोई नॉलेज गेन कर सके।